नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से लेकर के आए हैं हम एक नया टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। हम ये बार मैग्नेट लेकर के चलेंगे, इसके अंदर एक इक्वेटोरियल लाइन पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। हम यहाँ पे मान लो चले हैं कि ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल इसका, ये साउथ पोल, जिसकी की लेंथ है 12, और यहाँ से ये इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पी पॉइंट है। हमें पता है कि नॉर्थ पोल से आउटसाइड होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और साउथ पोल से इनसाइड होती है, तो ये हमने इनसाइड डायरेक्शन दिखाई है, ये इसकी आउटसाइड डायरेक्शन दिखाई है। लेट हम मान लेते हैं ये इंक्लाइन जो है ये एंगल थीटा पे है, और इसके सेंटर से ओ से मैग्नेटिक लेंथ के सेंटर से ओ से डिस्टेंस जो है पी पॉइंट की, वो हम डी मान लेते चले हैं। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस दोस्तों हाफ सेंटर है, तो यहां एल हो जाएगी और ये एल हो जाएगी। अगर इसी के अंदर से हम इस ट्राइंगल में से ये निकाल लें कि ये एल कितना, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हम निकालें, ये एन पी और ये एस पी दोनों इक्विवेलेंट ही होंगे दोस्तों, तो एल स्क्वायर और प्लस में डी स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये हो जाती है आपके पास में दोस्तों लेंथ। अब इसको ले लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आ जाएगा इनकी वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑन पॉइंट पी, हम ये मान लेते हैं बी, तो इसको बी ले लेते हैं। बी इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई फोर पाई, और दोनों की प्रोडक्ट होती है जितना इस पे स्मॉल एम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मान लेते चले हैं। हम इस अकेले की वजह से निकाल रहे हैं तो एक ही हो जाएगा दोस्तों, और डिस्टेंस का स्क्वायर, इससे यहां तक की डिस्टेंस मीन्स एन पी का स्क्वायर, एन पी स्क्वायर, और एन पी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में रह जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर हम वन लिख लेते हैं। सिमिलरली फोर एस पोल, एस पोल से अगर हम जो डिस्टेंस निकालें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल ऑन पॉइंट पी, पी पॉइंट पे क्या मिल जाएगा अपना, तो इसको हम मान रखा है हमने बी डैश, तो बी डैश म्यू नॉट बाई फोर पाई, और ये भी ऐसे ही एम बाई, ये हो जाएगा एस पी स्क्वेयर, एस पी स्क्वेयर की वैल्यू वही दोस्तों सेम, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ये इक्वेशन नंबर टू बन जाती है अपने पास में। ये क्वेश्चन आ गई, अब यहां से क्या मिला हमें कि b इक्वल टू बी डैश, दोनों की वजह से क्या है मैग्नेटिक फील्ड इक्विवेलेंट है। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया हमने, अब हमें चाहिए क्या दोस्तों, हमें तो p पॉइंट पे चाहिए, बट b मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखो इस पे, ये इस साइड में इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये b डैश इस डायरेक्शन में आ रहा है, बट इस पे इस पॉइंट पे क्या होगा वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं लगा, तो इसी कारण हम क्या करेंगे, इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ देंगे, और दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हो जाएंगे यहां पे ये बन जाएगा बी साइन थीटा, और यहां बन जाएगा ये आपका बी डैश साइन थीटा, और यहां बन जाएंगे ये आपके, इसकी वजह से इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तोड़ेंगे दोस्तों बी डैश के, तो ये हरे वाला जो हमने दिखा रखा है बी डैश कॉस थीटा, और ये बन जाएगा बी कॉस थीटा, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट हो जाते हैं, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, और ये बी डैश साइन थीटा बी डैश कॉस थीटा, ये थीटा एंगल था दोस्तों, यहां थीटा एंगल होगा इसी कारण एंगल की साइड में हमारा कॉस फैक्टर आता है, तो ये हो जाएगा आपके पास में इसकी एंगल, बट यहां पे देखिएगा ये इफेक्ट जो है दोनों का बी और बी डैश इक्विवेलेंट आया है, तो इसी कारण क्या होगा इस पॉइंट पे देखो ये इक्वल एंड अपोजिट है दोनों के दोनों, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं,
तो ये इफेक्ट दोनों का कैंसल आउट हो जाता है और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है इक्वेटोरियल लाइन के कारण वो क्या रह जाता है, बी कॉस थीटा प्लस बी डैश कॉस थीटा की वजह से इन दोनों का इकट्ठा कंबाइन होकर के ये रह जाता है। तो आपके पास में आ जाएगा टू, यहाँ बी डैश रख लें या बी रख लें क्योंकि बी और बी डैश इक्विवेलेंट है, टू बी कॉस थीटा बन जाएगा, तो बी इक्विवेलेंट क्या इक्वेटोरियल लाइन पे, सॉरी तो क्या बन जाएगा आपके पास में टू बी, बी की वैल्यू ये रखें या ये रखें की बात है दोस्तों, तो फोर बाई म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई डी प्लस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये जाएगा। अब रह गया हमारे पास में कॉस थीटा, इस ट्रायंगल से दोस्तों कॉस थीटा निकाल लेते हैं अगर हम, तो कॉस थीटा हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में दोस्तों एल बाई में ये हाइपोटेनस, तो ये बन जाएगा आपके पास में डी स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर और इसकी पावर हाफ, तो दोनों से मिलाकर के क्या बन जाएगा, बी इक्विवेलेंट इक्वल टू टू म्यू नॉट बाई फोर पाई एम एल डिवाइड बाई बन जाता है डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर और इसकी पावर थ्री बाई। अब आपको बताया है कि दोस्तों अगर मैं इस टू को यहां लगा लूं तो m इंटू टू एल क्या बन जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाती है b इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई फोर पाई और ये बन जाएगा m बाई में ये बन जाएगी डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर और इसकी पावर थ्री बाई टू। अब देखिएगा यहां पे केस मान लेते हैं कि अगर मान लिया हमारे पास में l जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है d, तो यहां पे क्या हो जाएगा d फैक्टर को हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, सॉरी l फैक्टर को हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, तो हमारे पास में d की वैल्यू रह जाएगी, तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई और ये एम बाई डी स्क्वायर, ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये हमारा टॉपिक था, उसके अंदर हमारा आ गया है बी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्वेटोरियल लाइन पे म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई डी स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट बन जाता है। कल हमने किया था दोस्तों एक्सियल लाइन पे बी एक्सियल पे क्या आ रहा, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू एम बाई डी स्क्वायर, मीन्स इसका ट्वाइस था, ठीक है, ये है आपके पास में वैल्यू। इसे नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं हम इसी वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक अपना बार मैग्नेट एज इन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, इक्विवेलेंट सोलेनोइड के इक्विवेलेंट हम बार मैग्नेट को प्रूफ करेंगे। ये एक सोलेनोइड मान करके चले हैं हम जिसके की ए रेडियस है, आई इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, टू एल इसकी लेंथ मान करके चले बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट, इसके अंदर हम ओ इसका सेंट्रल पॉइंट मान करके चले हैं और पी पॉइंट पर हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट और सोलेनोइड, इसकी वजह से, और जो है ओ सेंटर से पी तक की डिस्टेंस जो है वो आर मान करके चले हैं। अब इसके अंदर हमने माना कि एक एक्स डी एक्स एलिमेंट है, एक्स डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, डी एक्स एलिमेंट की वजह से हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पहले, फिर बाद में हम क्या करेंगे कंप्लीट की वजह से निकाल लेंगे दोस्तों। अब हमने देखो यहां पे क्या क्या माना है कि जो है आई करंट डी एक्स एलिमेंट, टू एल इसकी लेंथ, आर जो है इसकी सेंटर पॉइंट से पी पॉइंट तक डिस्टेंस। हम मान के चलते हैं कि एन नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ है सोलेनोइड के अंदर, अगर एन है तो डी एक्स के अंदर कितनी हो जाएंगी एन डी एक्स। अब यहां पे क्या है एक सर्कुलर कॉइल है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे, तो सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों हम पहले कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा एक बार। तो उसके अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो आया था दोस्तों, तो वो अपना क्या आया था, वो आया था हमारा यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा कि म्यू नॉट बाई टू
और यहाँ पे आया था आई ए स्क्वेयर, और यहाँ हमारे पास में डिस्टेंस थी वो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर थी 3/2। ये हमारे पास में पहले हम निकाल चुके हैं, बट यहाँ कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है बट कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स देखो इतनी है, तो करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसके अंदर से इतने ही टाइम्स हो जाएगा, ए होगा ही रहेगा दोस्तों, तो करंट की साथ में ये नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे बस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डी एक्स एलिमेंट की वजह से है तो स्मॉल स्मॉल ही मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, तो ये बन गया म्यू नॉट बाय में 2। और यहां देखिएगा आई करंट ए स्क्वेयर आता ही था, और कितने नंबर ऑफ टर्न्स में से एन डी एक्स, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिएगा यहां डिस्टेंस हमने लिखा था ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स की डिस्टेंस थी, बट यहां पे देखिएगा हम निकाल इस पॉइंट से रहे हैं सेंट्रल पॉइंट से, बट एक्स डिस्टेंस ये पी पॉइंट की साइड में ही है, तो क्या हो जाएगा हम आर में से एक्स को माइनस कर देंगे डिस्टेंस हो जाएगी, तो आर माइनस ए और इसका स्क्वेयर, और फिर आ जाएगा आपके पास में प्लस और ए का स्क्वेयर, आर माइनस एक्स का स्क्वेयर दोस्तों, और ये ए का स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2। ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। हम मान रहे चले आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू एक्स एंड आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ए, तब जो है ए और एक्स दोनों फैक्टर नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर एन डी एक्स डिवाइड बाई 2, और ये बन जाएगा आर रेज टू पावर 3। ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है किसकी वजह से, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से। अगर दोस्तों इस कंप्लीट सोलेनोइड की वजह से हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, सोलेनोइड की वजह से निकालने इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन किस पे लगेगा, dx ही चेंज हो सकता है दोस्तों, म्यू नॉट आई स्क्वायर आई ए स्क्वायर और ये एन डी एक्स पे इंटीग्रेशन लग जाएगा, और नीचे यू का यू 3r³। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट ले लेते हैं प्लस माइनस एल, माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक हम इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा आपके पास में 2 म्यू नॉट बाई 2 पाई सॉरी 2r³ आई ए स्क्वायर एन, और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में एक्स, और लिमिट रख देते हैं, अगर यहीं पे हम लिमिट रख लें कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मींस एल प्लस एल हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास में जो वैल्यू बन जाती है दोस्तों वो बन जाती है बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2r³ आई ए स्क्वेयर एन 2l, और ये आपके पास में वैल्यू बन जाती है। अगर मान लिया हम इसको पाई से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तब क्या बन जाएगी आपके पास में, ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट लिखें तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता था, आई इंटू ए, बट यहां आई एक यूनिट के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, एक यूनिट लेंथ में कितने जो है करंट एन के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर लेंथ कितनी है 2l है, तो n इंटू 2l, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों, तो करंट क्या है i, और इसका एरिया एरिया कितना है सर्कुलर है, तो पाई ए स्क्वायर। अब देखो दोस्तों n 2l पाई और ये स्क्वायर और ये इंटू में i, तो ये वैल्यू क्या बन गई अपने पास में m, तो ये बन गया म्यू नॉट बाई 2πr³ और ये बन गया m आपका, b = mu not by 2πr³ और इनटू में m। अगर हम इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 2 से नीचे डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हमारे पास में वैल्यू बन जाएगी b = mu not by 4π2m/r³। और ये हमने किया था दोस्तों एक बार मैग्नेट की वजह से किसी भी पॉइंट, ये एक्सियल लाइन पे था तो एक्सियल लाइन पे हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आया था बार मैग्नेट की वजह से। अब देखो ये हमने निकाला सोलेनोइड की वजह से, बट
ये आ रहा था बार मैग्नेट की वजह से भी ऐसा ही, तो क्या हो गया सोलेनोइड बिहेव एज ए बार मैग्नेट या बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, तो उसके इक्विवेलेंट ही हो जाएगी। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।